भारत में स्थित एक ऐसी रहस्यमय जगह जहां विश्व का पहला शिवलिंग प्रकट हुआ। कहते हैं शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही बड़े बड़े रोग भी शीघ्र खत्म हो जाते हैं, तथा जो भक्त सच्चे मन से शिवलिंग को देखकर जो भी कुछ मांगता है उसे वो हाथों हाथ मिल जाता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा लिंग रूप में होती है। इनकी मूरत रूप की बजाय लिंग रूप की पूजा का शिव पुराण में अधिक महत्व बताया गया है। भगवान शिव का प्रथम लिंग रूप में प्राकट्य कहाँ हुआ था, और इस विषय में शिव पुराण में बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है जहाँ भगवान शिव पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ग्रंथों में उल्लेख है कि अरुणाचल पर्वत पर विश्व का पहला शिवलिंग स्थापित हुआ। ये पर्वत तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कथा के अनुसार माता पार्वती द्वारा हंसी ठिठोली के दौरान भगवान शिव की आंखें बंद कर दिए जाने पर पृथ्वी पर अहंकार छा गया। तब माता पार्वती और देवताओं ने सभी आठों दिशाओं में अंधकार के निवारण के लिए अरुणाचल पर्वत पर तपस्या करके आठ शिवलिंग स्थापित किए। इन्हें अरुणाचलेश्वर मंदिर यानी अन्ना मलाईयार मंदिर कहा जाता है। इन आठ शिवलिंग से सभी दिशाओं में प्रकाश उत्पन्न हुआ, इसलिए इन्हें ज्योतिर्लिंग भी कहा गया है। नवंबर दिसंबर के बीच यहाँ कार्तिकेय दीपक नाम का एक त्योहार मनाया जाता है। इसे दक्षिण भारत की दिवाली भी कहते हैं। इस दिन लाखों श्रद्धालु अरुणाचल पर्वत पर घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने खेल खेल में अपने हाथों से शिव जी की आंखें बंद कर ली थी। उस वक्त पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा हो गया था। कई वर्षों तक पूरे जगत में अंधकार ही बना रहा। उसके बाद माता पार्वती के साथ अन्य देवताओं ने मिलकर तपस्या की थी। तब शिव जी अग्निपुंज के रूप में अन्नामलाई पर्वत पर ही इस श्रृंखला पर प्रकट हुए, जिसे अब अरुणाचलेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद शिव जी ने माता पार्वती के शरीर में विलय करके अर्धनारेश्वर के रूप में दर्शन दिए। अर्धनारेश्वर रूप में भी यहाँ पहाड़ी पर शिव जी का एक मंदिर है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की अधिक जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।